गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हार्दिक। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेंच सिमुलेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार गाइस, ये रेंच सिमुलेटर के अपडेटेड वर्जन का पहला एपिसोड है और इसके बाद भी आते रहेंगे। तो ये वही हमारे ग्रैंडपा ने जो लेटर लिख रखा है हमारे लिए, तो वो तो देख लिया आप। तो यार अब क्या नया क्वेस्ट है? तो यार सबसे पहले तो हमें रेडियो जाके ढूंढना है, तो वो घर के अंदर ही पड़ा हुआ है और हमें याद भी है कहाँ पर है, कि ये घर तो शायद सेम ही होगा, घर थोड़ी चेंज होगा। तो ये गेट खोलते हैं और रेडियो, हाँ इसके पीछे। तो गाइस ये रेडियो तो हमें मिल चुका है और इस रेडियो को पहले चालू करते हैं और ये गाना बजना शुरू। अब क्या करना है? रिमूव द ऑब्स्टिकल्स एंड फाइंड द चेस्ट। तो यार अब ऊपर चलते हैं और ऊपर जो चेस्ट पड़ा है उसको जल्दी से खोलते हैं और उसके अंदर जो पैसे अपन को मिलेंगे। और यार इसके पहले तो ये डिमोलिश करना सिखा रहे हैं। हाँ तो यार हमने तो खेला हुआ है ना पहले से गेम, तो बार बार क्यों सिखा रहे हो वे? और ये डिमोलिश करने का ऑप्शन आ गया और इसको राइट क्लिक, ये डिमोलिश हो गया। ठीक है तो गाइज यार ऊपर चलते हैं और तेरे गाइस एटिक तो मिल गया है और यहाँ पे तो ये वैसे यार खड्डे में चलते हुए आएंगे तो नीचे गिरेंगे। ट्राई करते हैं, अगली बार जाएंगे तो खड्डे के ऊपर से चलेंगे। गन भी ले ली, $500 से मिल गए। और ये लेटर है, इस लेटर पे क्या लिखा है? ओ इस लेटर पे वो, तो अपन को रिवॉल्वर है उसके अंदर, जंगल में बहुत सारे जंगली एनिमल्स और ये सब। ठीक है तो ये सब हम देख लेंगे। और अब हमें गाड़ी तैयार करनी है तो टायर ढूंढने पड़ेंगे। ये क्या हवा में चल रहा हूँ? तो फिर खड्डा रखना है क्यों है इनको? तो कोई बात नहीं, चलो यार छोड़ो। तो यहाँ से भी कूद नहीं पा रहा है क्या यार ये कैरेक्टर है? चलो हाँ तो यार सो गाइस अब यहाँ पे तो अपन आ गए हैं अंदर गैरेज के, गैरेज तो इस गेट खोल देता हूँ। और गाड़ी भी हमारी टूटी फूटी गाड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। और अब इस गाड़ी ये पहला व्हील भी मिल गया, पहला व्हील तो अंदर ही पड़ा है। तो अब इस व्हील को, ये गिर क्यों रहा है यार? बार बार गिर रहा है। हाँ ठीक है, इसके पहले भी दो बार उठाया था तो पहले भी गिर गया था। ठीक है तो अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं और ये भी इंस्टॉल तो हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से सारा को सब कुछ लगा देता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। तो यार बस ये लास्ट है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद जेरी कैन को गाड़ी के ऊपर रखना है। जेरी कैन, हाँ ये जेरी कैन को लेफ्ट क्लिक कर, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करना है। तो आगे तो आ गए और ये गाड़ी के अंदर तो रख दिया है मैंने। अब इसके बाद गैस स्टेशन ले जाना है गाड़ी को और पेट्रोल भरवा लेंगे। वैसे गाड़ी में है कि नहीं पेट्रोल? वहाँ तक तो पहुँच जाएगी कि वहाँ तक ही नहीं पहुँचेगी? ठीक है तो गाड़ी में तो बहुत कम पेट्रोल है, तो पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, पर चलो ट्राई करते हैं। नहीं पहुँचेंगे तो फिर हाथ से दौड़ के ले आएंगे पेट्रोल। तो गाइस अब जल्दी से जाते हैं अपने फ्यूल, और तो यहाँ तो मैं आ चुका हूँ गैस स्टेशन। अब जल्दी से गाड़ी को यहाँ लगा के, और अब क्या करना है? कार को फिल करना है और जेरिकेन को भी फिल करना है। ठीक है तो दोनों को फिल कर देते हैं पूरा। तो यार गाइस अब दोनों को फिल कर चुका हूँ मैं और ये क्वेस्ट भी अपना कंप्लीट हो चुका है और इसको वापस वहाँ लगाना है। तो ये लगना है, हाँ। तो गाइस अब इसको मैंने उठा तो लिया है और इसको यहाँ पे लगाना है। ऐसे नहीं लगाएं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या यार? मैंने आज तक ट्राई नहीं करा था, एक बार अब ट्राई करेंगे अगली बार। इसको बिना लगाए चले जाएंगे यहाँ से, तो शायद अगली बार भी हमको गिरा हुआ मिल सकता है। तो इसके बाद अब ठीक है तो कार शॉप चलते हैं। तो गाइस अभी हम कार शॉप तक पहुंच चुके हैं, इसके ऊपर बैंक क्यों लिखा है? शायद अब बैंक बनेगा इसके बाद अब ऊपर वाले फ्लोर पे। अभी ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है तो अपन पहले रियल एस्टेट एजेंट से बात करते हैं। यार ये इसी बिल्डिंग में तीन तीन चीज़ बनाओगे क्या यार? कार शॉप भी बना दी है, रियल एस्टेट भी ले आए और फिर ये बैंक भी बनाना चाहते हैं। तो यार अब देखते हैं, चलो इससे पहले तो बात कर लेते हैं। और हाँ थैंक यू, तो अब हम अपना वो बिल्डिंग सिस्टम चालू कर सकते हैं। ये पूरा बिल्डिंग सिस्टम है अपना, अपन को बुक दे देंगे ये लोग और उसको देख देख के बनाना है। इससे क्या बात करनी है? हाँ तो गाड़ी में रेडियो बनाना है। ठीक है कंटिन्यू, आप गुड बाय कर देते हैं इसको। ठीक है तो अपन इसने इसको गुड बाय कर दिया है। गाड़ी से लेके जाते हैं और गाड़ी को वहाँ गैराज में, गैराज यहीं पे है ना? जगह चेंज हो गई गैराज, आगे था आगे जाके और ये टर्न यहाँ। तो गाइस ये वाला गैराज है और यहाँ पे रेडियो लगाना है, तो रेडियो तो शायद $10 का ही होना चाहिए। हाँ तो $10 का ये तो अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और रेडियो लगाने के बाद हमको $250 का रिवॉर्ड मिला है। ठीक है तो चलो अच्छी बात है, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं तो हम भी ज़्यादा करते रहेंगे और पैसे भी मिल जाएंगे। फिर अब क्या लेना है? हार्डवेयर स्टोर जाना है। ठीक है तो यार गाइस अब मैं हार्डवेयर स्टोर पहुँचता हूँ। तो गाइस अभी हार्डवेयर स्टोर तो पहुँच चुके हैं अपन और अब इसके अंदर जाके पहुँच गए ना बे। तो गाइस ये अब टीवी से खरीदना है सामान, यहाँ पे भी वही टीवी लगा दिया। और तो क्या लेना है? एक्स लेनी है, क्रोबार लेनी है और चीप टेबल सो। चीप टेबल सो, ओ वो सॉ मिल जिसमें अपन लकड़ियाँ वो करते हैं। ठीक है तो ये भी ले लेंगे।
तो एक्स तो $34 की है, क्रोबार तो अपना $12 का है, तो इसको भी ले लेते हैं। और ये वुड प्लैंक भी मिलने लग गई। नाइस यार, अब कभी ज़्यादा पैसा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है फालतू लकड़ियाँ काटने की, यहीं से डायरेक्ट खरीद के चले जाएंगे। और चीप टेबल सॉ भी ले लेंगे। हाँ ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें तो मैं ले चुका हूँ, तो अब इसको कार्ट में डालते हैं और चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने चेकआउट भी कर दिया है, और अब इन सारे सामान को कार के अंदर डालना है। ठीक है, तो अभी कार के अंदर ये डाल दिया है, और बाकी दोनों तो मैंने अपने हाथ में ले रखे हैं, तो वो दोनों तो हाथ में ही आ जाता है। ठीक है, तो अब हार्डवेयर स्टोर वाला भी क्रोएस्ट अपना पूरा हो चुका है, और उनको सैलर के पास जाना है जनरल स्टोर, तो जनरल स्टोर जाके फिर उससे बात बात करेंगे, और अपन चिकन विकन खरीदते हैं, वो जो भी है वो सब भी करेंगे अब जाके। तो जल्दी से पहुँचता हूँ मैं जनरल स्टोर। तो यार गाइस अभी जनरल स्टोर तो पहुँच चुके हैं अपन, और फिर यहाँ जाके अपन को सेलर से पहले बात करनी है। वो सेलर तो कौन, वो आंटी होगी ना? हाँ तो गाइस वही आंटी है, पर ये फ़ोन नहीं चला रही है अभी, पता नहीं क्या हो गया, मैडम का फ़ोन छीन लिया लगता है घर वालों ने। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब तो। और ये क्लोज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, और चिकन लेने हैं अपन को दो, और एक एक बास्केट लेना है। ठीक है, तो एक बास्केट तो ले लिया, और चिकन भी एड टू कार्ट। ठीक है, यहाँ से, और हाँ इसको डबल कर दिया, और ₹110। तो अपने पास $319 ही बचे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो गाइज अब मैं इन सबको तो अंदर डालता हूँ, पहला चिकन हो। तो गाइज अभी मैं सब कुछ अंदर डाल चुका हूँ, और बस ये एक बास्केट डालना बाकी है। तो ये वाला क्वेस्ट भी अपना कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद यहाँ ना यार, तो गाइज ये, सो गाइज अभी मैंने बास्केट तो गाड़ी के अंदर डाल दिया, और गाड़ी को लेके अपन सीधा रेंच जाते हैं, तो लेट्स गो। और अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मतलब 7:30 ही बजे, और फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है, और ये क्या हो रहा है अभी। तो यार गाइस आप भी कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ पे इतने जल्दी इतना ज़्यादा अंधेरा होता है क्या, मतलब कि सिर्फ ये गेम ही ज़्यादा स्पेशल है, मतलब कि हमारे वहाँ तो नहीं होता है इतना जल्दी अंधेरा, अगर आप भी बताओ। तो पहले तो अपन रेंच को मार्क कर देते। तो गाइस अभी रेंच पहुँच चुके हैं अपन, और ये लाइट भी मैंने चालू रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है मुझे तो, और ये तो इसलिए गाड़ी की लाइट चालू रहती है। वैसे गाड़ी की लाइट चालू रहने से अपना फ्यूल शायद ख़त्म होता होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा कम तो होता ही होगा। तो गाइज अभी तो सुबह हो चुकी है, और रात में मैंने अपना वो घर तोड़ना शुरू कर दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि अपन को बाद में घर तोड़ना ही है, तो अभी अभी से तोड़ देते हैं। तो अभी अपन को क्या करना है, तो गाइज चिकन को अपन को इसके कहाँ ले जाना है, वो ब्लैक वाला जो घर है इसके अंदर अपन को चिकन्स को रखना है, ये जो वुडन वाला है इसके अंदर अपन चिकन रख देते हैं अपन सारे अपने, और वैसे दो ही तो हैं। तो पहले तो ये गेट बंद करता हूँ, और पहला चिकन तो यहाँ रख दिया। पानी पानी तो यहाँ पे पहले से ही है ना पानी, हाँ ये इसकी बॉटल तो कैम तो ये रहा पानी का, और ये बॉटल भी है, और अपने पास वीट भी अपन को इन्होंने पहले से दे रखा है एक, तो ये वीट भी अपन यहाँ पे ज़मीन में डाल देते हैं, इस पॉइंट पे डालना है ना। तो अब इसको तो जल्दी से खोलते हैं, और तो गाइस मैंने वहाँ तो सबको डाल दिया है, और अब अपन को यहाँ पे स्मॉल कूप बनाना है चिकन वाला। तो ये कूप किस में आएगा फर्स्ट, नहीं इसमें तो बार नाउस वाला पूरा है। हाँ तो कूप तो इसमें है, और प्रीमियम चिकन मीडियम कूप पिक, और यहाँ तो स्मॉल वाला भी मिल गया है, तो स्मॉल वाले पे क्लिक करना है ना। इसमें अपन मतलब बोल रहे हैं कि 5 से ज़्यादा हैंड इसके अंदर नहीं डालने, और एक्सपेंसिव वाला क्या है इसके अंदर 30 हैंड डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अपन एक्सपेंसिव वाला भी कुछ दिनों बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो लगती नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बहुत मेहनत का ही काम है, और कूप को रखे कहाँ। सो यार गाइस चिकन कूप के लिए तो अपन को बहुत अच्छी जगह मिल चुकी है, और यहाँ पे चिकन कूप भी अपन ने लगा दिया है, और ये तो अपन को वुड प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए मशीन भी अपने आसपास ही रखता हूँ। इस अपडेट पे ये अच्छा है कि अपन इस सॉ मिल को इधर उधर कहीं ले जा सकते हैं, अच्छा के चेंज कर सकते हैं अपन इसकी, क्योंकि पिछले वाले अपडेट वाला तो सॉ मिल जो था अपन वहीं पर ले जाना था पड़ता था, फिर वहीं से सारा सामान को वहीं पर करना पड़ता था, और अभी इसमें ये वाला फ़ायदा तो है, तो कहीं भी इसको ले जाओ तो ये बॉक्स बन जाता है। और पहले तो इसको भर देते हैं, चालू हो गई मशीन, हाँ तो मशीन को तो बंद कर दिया, और ये निकाल लेता हूँ इससे अब जेरिकेन भी। ठीक है, तो जेरिकेन रखते हैं, और जल्दी से वुड प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसके लिए तो ये पेड़ काटने पड़ेंगे, तो मैंने पेड़ भी नहीं काटे हैं। तो ठीक है, तो अब जल्दी पेड़ के पास चलते हैं, और खैर गाइस पेड़ तो काट दिया है मैंने, अब ये गिर क्यों नहीं रहा है, गोल गोल घूम के क्यों गिर रहा है, ये थोड़ा सा पार्ट रह गया है इसका, ये नहीं कटा क्या। ठीक है, तो इसको चॉप करते हैं पहले, तो फिर इसको करेंगे। ये क्या हुआ, यहाँ से चॉप करते हैं तो वहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो अब जल्दी से मैं बाकी भी जल्दी से काटता हूँ पेड़, और चॉप करते हैं इनको। तो यार गाइस लास्ट प्लैंक बच लगाना बाकी है, और इसके बाद हमारा जो कूप भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी कूप
उसका क्या है, पूरा कोक कंप्लीट हो चुका है। और तो हमारा ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हमको हमारा घर तोड़ना है, घर तोड़ देना। तो इसलिए तो मैंने, वैसे मैंने बहुत कुछ तोड़ रखा है, देखो आपको एटिक डिमोलिश पे तो टेक लगा हुआ है, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर ही तोड़ना है, और सेकंड फ्लोर भी मैंने बहुत हद तक तोड़ चुका हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब जल्दी से घर जाके तोड़ते हैं, पहले ये इस पेड़ को तोड़ देता हूँ, यहाँ पेड़ हटा देते हैं यहाँ से। सो यार गाइस, अगले एपिसोड में तो मैंने सोचा है कि मैं बार्न हाउस बनवा देते हैं अपन पूरा, कि बहुत बड़ा बार्न हाउस हो जाएगा, तो उसके बाद अपन बहुत सारे पिक्स भी लेके आ सकते हैं और उसको रख सकते हैं बार्न हाउस के अंदर। तो उसके लिए बार्न हाउस भी चाहिए, और अभी तो ये पेड़ तो तोड़ दिया, तो इस पेड़ को पहले अपन चॉप करते हैं, ठीक है। तो इस पेड़ को तो चॉप कर दिया है अपन ने, और उसके बाद यार ये कूप बहुत ज़्यादा अजीब सा है, ठीक है। तो और कौन कौन से हैं अपने पास, तो पहले तो ये वुडन फेंस गेट, वुड फाउंडेशन, वुड वॉल, स्टेयर्स, मतलब ये अपन पूरा घर खुद से बना सकते हैं अगर अपन बनाना चाहें तो। और वुड की रूफ्स, तो एल ट्राइंगल वॉल, पता नहीं ये क्या काम आएगी। तो और ये तो वही चार घर हैं जो अपने पुराने वाले वर्जन में थे, पर इस बार अपन को खुद से पूरा बनाना पड़ेगा। पिछली बार तो सिर्फ लकड़ियाँ लगानी पड़ती थी, पर इस बार मेटल और ये सब भी है, तो वो भी लगाने पड़ेंगे, कॉन्क्रीट भी लगाना पड़ेगा। और ये बार्न हाउस, तो ये वाला पूरा सेक्शन शायद बार्न हाउस का है, मतलब बार्न हाउस फ्रंट, मिडल, बैक, फिर ये बार्न हाउस का गेट, फिर ये मेन डोर, बार्न की स्टॉल्स, तो और ये चिकन कूप्स, तो ये प्रीमियम चिकन कूप, ये तो पहले से देख लिया अपन ने, एक्सपेंसिव वाला पर ज़रूर बनाएंगे अपन सबसे बड़ा। और ये अपने वाटर रखने वाला, फूड रखने वाला, तो ये वाटर दो, ये कितने, 16 प्लैंक्स का, और ये 6 प्लैंक्स का, 6, 12, 18, और इसमें 3 का आता है, तो यार अपन को फिर भी 2 प्लैंक्स का फ़ायदा होता है। तो फिर ये बड़े वाला ही बनाएंगे अपन, जैसे ज़्यादा छोटे वाला नहीं बनाएंगे, छोटा वाला एक दो बना देंगे अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, ज़रूरत है तो बाकी आगे जाके देखते हैं कि क्या करना है। और अभी तो छोड़ो, अभी इसको तो बंद करते हैं यार, और ये घर तोड़ने वाला काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि घर तोड़ने पर उनको कुछ तो मिलता ही है। पिछले वर्जन में मुझे याद है कि पिछले अपडेट में हमको $1,000 मिलते थे, तो इस बार देखते हैं उनको क्या मिलता है। तो यार अब जल्दी से मैं इस घर को तोड़ता हूँ, तो घर पूरा कंप्लीट करते हैं तोड़ना, चलो ठीक है। तो घर तोड़ता हूँ, गाइस। रेंज तो अभी मैंने पूरा तोड़ दिया, और बस ये लास्ट तोड़ना है, और ये तोड़ दिया, और इसको तोड़ने के बाद हमको $750 मिले, ठीक है। तो पहले से $250 कम है, तो कोई बात नहीं, चला इतना तो कम है, चलता है। और फिर अब इन बाकी सारे भी इन कचरे को हटा देता हूँ, तो ये भी हटा दिया, और एक ये है और एक लास्ट बचा है, ठीक है। तो यार गाइस ये भी हटा दिया है अपन ने, और इसके बाद क्या करना है, तो पहले तो ये मोड चेंज करते हैं, और यहाँ पे एग्स भी मिल चुके हैं अपन को, तो ये एग्स तो पहले अपन ने इसको, बास्केट तो बाहर पड़ा है, तो बास्केट लेने जाऊँ तो एक काम करता हूँ, एक को तो उठा ही लेते हैं हाथ में उठा के, और फिर हाथ में उठा के चलते हैं अपन, फिर बास्केट में जाके रख लूँगा, ठीक है। तो यार अभी इस गेट को तो बंद करता हूँ, और गाड़ी गाड़ी के अंदर ही होगा शायद बास्केट, क्योंकि निकाला ही नहीं था मैंने उसके बाद जब से खरीद के लाया हूँ। तो हाँ, तो यार इस बास्केट में ही है, और इसको तो प्रेस ई टू पुट इन, तो यार बास्केट में एग तो रख लिया है अपन ने, और इसके बाद बास्केट ही लेके चलता हूँ वहाँ पर, और बास्केट ले जाके वहाँ पर रख दूँगा एग। सो यार गाइस, बास्केट उठा के सीधा चिकन के पास ही चलते हैं, क्योंकि वहीं वहीं पे चिकन है, तो गेट खोलते हैं, ठीक है। तो यार ये गाइस गेट गेट तो खुल गया है अपना, अब और इसको वापस बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भाग भाग जाएंगे। तो ये दूसरा एग भी मिल गया है, और दूसरा एग भी बास्केट के अंदर तो डाल दिया है मैंने, और इस बास्केट को यहीं पर रख देता हूँ, नहीं तो बार बार के आना जाना लगा रखे यहाँ पर। और गाइस तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो यार अब अगली वीडियो में अपन बार्न हाउस बनाएंगे, तो फिर वीडियो देखने आ जाना जल्दी से अगली वाली, और
वीडियो को भी लाइक कर दो, कमेंट कर दो अपना फेवरेट पार्ट, और मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।